बिना संतान के वंश का नाश हो जाता है। दोस्तों, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, लेकिन हर घर में, हर आंगन में, हर माता पिता की झोली में यानी सूनी गोदी में संतान का सुख होना बहुत जरूरी है। संतान का सुख बहुत ही इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उनके सहारे से ही सारा जीवन खुशहाल नजर आता है। और जिस घर में बच्चों की आवाज नहीं चहकती है वो घर घर नहीं शमशान लगता है। बिना संतान के हर घर में अंधेरा रहता है, यानी जिस घर में कोई चिराग नहीं होता उस घर में कभी रोशनी नहीं होती। इसलिए लड़का हो या लड़की, संतान होना जरूरी है, क्योंकि संतान नहीं तो माता पिता का दुनिया में जीने का आधार ही खत्म हो जाता है। तो मैं उन माता पिताओं से कहना चाहता हूं, यदि आप थक चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तो एक बार अवश्य आकर मिले हमसे। यहां कोई भी आपसे पहले कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, एक रुपए का भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन हां, जब आपकी सूनी गोदी भर जाएगी, आपकी खाली गोदी में बच्चा खेलता नजर आएगा, जब आपके घर में बच्चे की चीखने की आवाज आने लगे, तब आकर आप हमें 11,000 रुपये पे करने होंगे। यानी पहले कोई चार्ज नहीं, संतान पैदा होने के बाद ही, आपकी मन की इच्छा पूरी होने के बाद ही, आपकी खाली झोली में बच्चा खेलने के बाद ही, आपके अंधेरे घर में चिराग जलने के बाद ही आप हमें 11,000 रुपये फीस देने का हकदार है। यदि नहीं है तो उससे पहले हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यदि किसी के लड़की लड़की हो रही है तो वो सहपलट की दवा ले जा सकते हैं, वो भी फ्री, 3 दिन खानी पड़ती है, तो उनके लड़का हो सकता है। और जो ये चाहते हैं कि हमारे लड़का ही लड़का होते हैं, हमारे लड़की नहीं हो पा रही है, लड़की की इच्छा है, तो उसके लिए भी दवाई दी जाती है, वो भी निःशुल्क दी जाती है, वो भी 3 दिन खानी पड़ती है। और जिनके बच्चा अभी तक नहीं हुआ है और बच्चे के लिए तड़प रहे हैं और दर दर भटक कर थक चुके हैं, अंग्रेजी दवाई, देसी दवाई, होम्योपैथिक या कैसी भी दवाई खा कर हार चुके हैं, तो अवश्य हमारे पास आइए। सिर्फ 3 दिन ही लगातार आपको आना पड़ेगा। जिन माता और बहनों को संतान का सुख प्राप्त करना है, उनको जो महीने में उनके महीना होता है, जिसे डेट बोलते हैं, महावारी बोलते हैं, उसे खत्म होने के बाद ही तुरंत नहा धोकर 3 दिन लगातार आना पड़ता है। इसका इलाज मैं नहीं करता हूं, इसका इलाज हमारी भाभी जी करते हैं, यानी वो लेडीज है, सिर्फ वही आपको देखेंगी और वही आपको दवा देंगी। वो हमारे पास ही बैठती हैं और आपकी सेवा के लिए ही बैठती है। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया था कि जो भी मेरी माता बहनें संतान को लेकर परेशान हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, तो वो एक बार हमें अवश्य मौका दें, हमारे पास आए। और इसके लिए आपको संडे के दिन आना पड़ेगा, सोम यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 दिन आपको लगातार आना पड़ेगा। 3 दिन लगातार आने से ही आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। 3 दिन में आपको कोई खाने की दवाई नहीं दी जाती है। जिनके बच्चे की तमन्ना है, संतान का सुख प्राप्त करना चाहती है मेरी माता बहने, तो वो दवाई नहीं खाएंगे, उनको कोई दवाई नहीं दी जाएगी। सिर्फ उनको हमारे यहाँ हमारी भाभी जी जो इलाज करती है, सिर्फ वो ही जो दवा खिलाएंगी या जो दवा यहाँ लगाएंगी, वो ही यहाँ 3 दिन करती हैं। घर के लिए कोई भी आपको खाने के लिए नहीं दी जाएगी। तो यहाँ बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल इलाज है, आप एक बार अवश्य आइए। बिना संतान के दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरी माता बहनों। यहां अपना घर समझ कर आइए, अपना परिवार समझ कर आइए, अपना मुझे भाई समझ कर आइए, और हमारी भाभी जी को अपनी बहन, माता या आदरणीय ममतामयी समझ कर आइए, तो आपका अवश्य कल्याण, आपका यहां अवश्य कल्याण होगा और आपकी मन की इच्छा पूर्ण होगी। मैं अब आपको एड्रेस बता देता हूं, आप मेरा एड्रेस लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश
जिला गौतम बुद्ध नगर, दादरी क्षेत्र, ग्राम खंडेरा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9599252139। दूसरा नंबर है 70 42 57 48 24। जिसके भाई के समझ में अंग्रेजी में नहीं आया है उसे हिंदी में बता दिया है, दोनों नंबर आप ऐड कर लीजिए। यदि आप कहीं आने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हमें कॉल कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन आपको लगातार आना पड़ेगा, संडे मंडे ट्यूजडे, रविवार सोमवार मंगलवार।